तो स्वागत है आप सबका। आज हम बॉलीवुड चूतिया है इस चीज पे थोड़ी बहुत कमेंट्री करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे आज के तीन शिकार होंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन और आलिया भट्ट, मेरा मतलब भट्ट। तो सबसे पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा की लेते हैं, देखते हैं उसने क्या ट्वीट किया था। टू ऑल पीपल ऑफ हरियाणा, प्लीज स्टे सेफ, होप यू कैन सी आवर फिल्म सून, हैशटैग अ जेंटलमैन, हैशटैग पीस एंड लव। वो क्या नाम है यार वो हवस के पुजारी का? हाँ, राम रहीम। तो राम रहीम के लोग दंगा कर रहे थे, आम लोगों पे बॉम्ब फेंक रहे थे, आम लोगों की गाड़ियां तोड़ रहे थे, खुद आम लोगों को तोड़ रहे थे, लेकिन हमारे बॉलीवुड के एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आम लोगों का टूटे फूटे सब हो जाए, मूवी चलनी चाहिए, ये है हमारा बॉलीवुड। अब आते हैं वरुण धवन पे, देखते हैं कि वरुण धवन ने क्या कमेंट किया था। Have you seen Inception? Understood it? Liked it? Then you will like Dilwale. There is lot to our film. There is a plot. Story is logical and is a full-on 2015 film which has lots of twists and turns. पहली बात, इसने Inception को Dilwale से कंपेयर करके Inception का लेवल गिरा दिया है। अब आते हैं ट्विस्ट और टर्न में। एक लड़के को एक लड़की से प्यार होता है, थोड़े देर बाद उस लड़के के छोटे भाई को एक और लड़की से प्यार होता है, उसके और थोड़े देर बाद पता चलता है कि वो जो लड़की थी वो तो बड़े भाई की गर्लफ्रेंड की छोटी बहन निकली। वाह, क्या ट्विस्ट और टर्न है। नहीं मतलब इंसेप्शन में भी तो ऐसे ही चल रहा था ना, वो एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, कभी छोटा भाई बड़ा भाई, बड़ी बहन छोटी बहन, यही चल रहा था ना इंसेप्शन में। दिलवाले के इंसेप्शन से कम है? और मैं चौंकूंगा नहीं अगर वरुण धवन एक दिन उठ के बोलता है कि विवेक ओबेरॉय ने क्रिश में जो एक्टिंग किया है वो जोकर के एक्टिंग से बेटर था। और आज का सबसे इम्पोर्टेंट शिकार आलिया भट्ट, मेरा मतलब भट्ट, की तरफ बढ़ते हैं। अमीर बिल्ली को क्या बोलते हैं? हाँ, क्या? नहीं, बिलियनेयर। ए बाप रे, मेरा पड़ोसी भी बिलियनेयर पाल रहा है लेकिन खुद वो भाड़े के घर में रहता है। वह तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ मेरा जो पड़ोसी है वो अमीर है या गरीब है, क्योंकि बिलीनियर पाल के भाड़े के घर में रह रहा है। क्या सारा का सारा पैसा बिलीनियर के पीछे जा रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है दया, कुछ तो गड़बड़ है इधर। अच्छा, बी वाइज बी सो कूल ऑलवेज, आई नो, क्योंकि वो एसी के बीच में है। आपने आलिया के चेहरे पे वो खुशी देखा? आपको मालूम है वो इतनी खुश क्यों है? क्योंकि उसको कुछ तो मालूम है। अब इस कुछ तो मालूम है से मुझे याद आया कि हम अपने नेक्स्ट क्लिप पे चलते हैं। क्यों मनाई जाती है पता है? तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट? डोंट आस्क इफ यू डोंट नो ब्रो। आलिया आलिया चिल, मैं तुमको अभी 2 से 3 सवाल पूछूंगा, तुम मुझे उसका जवाब प्यार से देना, ठीक है? पहला सवाल, क्या मैं साउथ अफ्रीका में रहता हूँ? नहीं। क्या मैं चाइना में रहता हूँ? नहीं। तो इनके देश का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जान के मुझे कोई फायदा नहीं, ठीक है? लेकिन क्या मैं इंडिया में रहता हूँ? हाँ। तो जिस देश में रहते हैं ना आलिया बहन, उस देश के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानना अच्छी बात होता है, ठीक है? जनरल नॉलेज बोलते हैं इसको। अब तुम गुस्सा मत हो, तुम गुस्से में हो ना, मैं तुम्हारे सपोर्ट में एक वीडियो बनाता हूँ। चलो नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे सपोर्ट में। प्लीज टेल मी हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। देखा आलिया बहन, तुम अकेली नहीं हो जिसका जनरल नॉलेज से थोड़ा दुश्मनी है, और मुझे तुम पे इतना कॉन्फिडेंस तो है कि तुम कम से कम मनमोहन मोदी तो नहीं बोलती, तुम नरेंद्र मोदी जी का नाम नरेंद्र मोदी ही बोलती, ठीक है? तो तुम किसी से तो होशियार हो, ठीक है? चीयर अप आलिया, चीयर अप। हुज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नहीं, तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? जब तू सुबह उठ के अपनी शक्ल को देखते है, क्या तुझे लगता है कि तू प्रेसिडेंट बन सकता है? और अगर तुझे लगता है तू प्रेसिडेंट बन सकता है तो भाई तू आलिया भट्ट से भी 2 कदम आगे है। भारत का राष्ट्रपति कौन है? वाह वाह वाह, सारे पढ़े लिखे जीके के दुश्मनों कुछ सीखो, एक साइकिल रिक्शा वाले तक को मालूम है कि प्रेसिडेंट कौन है। मुझे मालूम है कि अभी प्रेसिडेंट चेंज हो चुके हैं लेकिन फिर भी इस आदमी से सीखने लायक है। अभी नहीं सीखे ना, बाद में जब कोई पूछेगा तो आप यही जवाब दोगे। मनमोहन मोदी।
तो बस वीडियो को आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और बॉलीवुड चूतिया ये एक सीरीज़ होने वाला है। अगर आप चाहते हैं तो आप किसी भी हीरो या हीरोइन का नाम दे सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे। और हमेशा की तरह हम अपना लेके फेसबुक में भी आ चुके हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ लाइक और फॉलो कीजिए, और यूट्यूब को शेयर लाइक सब्सक्राइब, मालूम है उल्टा पुल्टा बोला लेकिन करना ना भूलिए। चलो थैंक यू, बाय।